Hey guys, तो कैसे आहत तुम्हें और गुड मॉर्निंग। तो हम लोग जा रहे हैं अभी, सब जो मैंने दिखाया ये सब लोग, हम लोग जा रहे हैं अमृतसर। और ये क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पे बहुत बड़ी लाइन है, बहुत ज़्यादा बड़ी, और मुझे लग रहा है हमारा यहाँ पे शायद आधा घंटा तो ऑलमोस्ट चला ही जाएगा। तो ना आधा घंटा तो जाएगा ही, क्यों नहीं जाएगा, जाएगा एक घंटा, चुप बैठ चल, आधा घंटा परफेक्ट है। सो मेरे साथ अभी एक इंसिडेंट हुआ है, जो कि मेरे इंस्टाग्राम पे थे 7.7 मिलियन, 8 मिलियन होने के लिए मुझे लग रहा है और 20 दिन तो थे। तो अभी जस्ट मैंने ऐसे इंस्टाग्राम स्क्रॉल किया, तो जैसे कि सब लोग को पता होगा कि इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप और फेसबुक का कल रात को प्रॉब्लम हुआ था। तो अभी आप मेरे फॉलोवर्स देखो, इट्स 8 मिलियन। तो इसके लिए मैं खुश हूँ या ये कोई ग्लिच है मुझे पता नहीं, पर ये मुझे ऐसे खुशी हुई, हम लोग ऐसे जंप करने लगे और हम लोग को बोल रहे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद ऐसे हुआ है तो अच्छी बात है। ये शट अप, मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। अगर आप मुझे फॉलो नहीं करते, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो, सीधा 10 मिलियन कर दो। हम लोग ना 9:30 बजे सब हमारा चेक इन हो गया है, अभी यहाँ पे आए हैं। नीचे इतनी भीड़ है, मुझे तो ऐसे लग रहा है कि इमिग्रेशन के टाइम ऐसा होता है ना, वैसे लग रहा है पूरा। इतनी ज़्यादा भीड़ क्यों है क्या पता, मॉर्निंग में भी इतनी ज़्यादा भीड़ है, इसलिए मुझे मॉर्निंग फ्लाइट बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे मेरी चार्जिंग खत्म होगी, इसलिए मैं मेरा फ़ोन यूज़ करने में मुझे बहुत ऐसे जान के आता है। बोला मैंने रात तक जूते साफ किए, तो मेरे जूते मत बंद करो। ओह न्यू शूज, कांग्रेचुलेशंस, सेम टू यू। जूतों के लिए नहीं, फोन के लिए बोल रहा हूं। थैंक यू, थैंक यू। सो दिस इज फॉर माय मम्मी, इधर तुला आवडेल की नाही मला माहित नाही, आवडेल शुगर ऐड असं बोलले मी त्यांना, नॉर्मल द्या आता, आय डोंट नो। सो मेरी फ्लाइट को बहुत कम टाइम है, तो हम लोगों को, मुझे तो बहुत भूख लगी थी, तो मैंने ऐसे ये पार्सल लिया है, और मम्मी और मुझे कॉफ़ी, और आज मैं कुछ अलग ट्राई कर रही हूँ, तो देखते हैं अभी मम्मी क्या दिया है। ये तो मम्मी को मैंने पहले ही बोला था, ये कॉफ़ी तुझे शायद ही पसंद आए, बट कोई नहीं, नहीं पसंद आई तो कुछ बात नहीं, हमारे पास है जो पी लेंगे। तो अभी हम लोग फाइनली प्लेन में बैठ चुके हैं, और आज मेरे साथ मेरी मम्मी भी आ रही है, क्योंकि ये बहुत ज़िद कर रही थी, मुझे भी आना है, मुझे भी आना है ना मम्मी। हाँ, उसको सिर्फ ऐसा मुझे मेरे साथ घूम। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं बाद में बताऊंगी क्योंकि मैंने मम्मी को क्यों लिया मेरे साथ में। ऐसा भी है कि हम लोग घूमने भी जा रहे हैं, और मैंने आपसे बात ही नहीं की जो मुझे बताना था, बट मुझे वहाँ पे पहुँचने दो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं वहाँ पे क्यों जा रही हूँ और हम लोग किस लिए जा रहे हैं। सुपरमैन बन के जाएगी।
मेरा भी नहीं पूछा। मेरे फैंस को पता होना चाहिए। शट अप एंड बेंडो। बहुत दिल से ख्वाहिश थी बहुत टाइम से, क्योंकि मैंने ऐसे सोचा था, मुझे एक्चुअली बहुत टाइम से मन कर रहा था यहाँ पे आने का। और सच में यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा, कितना सेल्सियस था, मुझे लग रहा है 33-35 समथिंग कुछ तो है। बहुत ज़्यादा धूप है, नेक्स्ट लेवल। और अभी हम लोग जस्ट पहुँचे हैं, अभी कैब बुक किया है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे आओ तो मुझे भी नहीं इतना पता था कैसे करना है, बट फिर भी बता देती हूँ। अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे टैक्सी और कैब तो बाहर ही है, ये तो ऑलमोस्ट सब एयरपोर्ट पे ही रहता है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ क्योंकि उनके साथ थोड़ा बार्गेनिंग करती हूँ। हाँ, क्योंकि हम लोग का होटल यहाँ से बहुत नज़दीक, लाइक कितना टाइम है, 18 मिनट्स, और उन्होंने बोला 700, तो 700 बहुत ज़्यादा है, ये तो हम मुंबई वालों को बिल्कुल पता है। तो उनको थोड़ा बार्गेनिंग बिल्कुल नहीं, जैसे कि पता है। तो कौन सी गाड़ी है? ओह, तो फिर हम लोगों ने उनसे थोड़ी बार्गेन की। तो मैं बहुत टायर्ड दिख रही हूँ, आई नो। यहाँ पे हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं, जस्ट चेक इन किया। मम्मी कैसा लग रहा है तुझे? मम्मी कैसा लग रहा है? मस्त, अभी मज़े कर ले 3 दिन, ठीक है? तो अभी जस्ट खाना खा के ऊपर जाएंगे, शाम को ऐसे सोचेंगे यहाँ पे अच्छी जगह कौन सी है, उसके बाद क्या है प्लान वो बता दूँगी। सिर्फ मुझे खाना खाने दो क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। तो ये है मेरा रूम, बहुत क्यूट एंड नाइस। अभी 4 बजे और क्या, अभी 4 बजे और 5 बजे मैं जाऊंगी फोटोशूट करने, और एक ऐसे नॉर्मल एक ही वीडियो बनाऊंगी आज। थोड़ा ऐसे रेस्ट करने का भी मन हो रहा है, तो फिर अभी ऐसे पावर नैप लेती हूँ, थोड़ा फ्रेश होना है, बट वो थोड़ी देर में हो जाऊंगी। तो हम सोए थे घर पे, और मुझे सच में अभी यहाँ पे सब विदाउट, हाँ 1 मिनट, मुझे पंजाबी तो नहीं आती, बट एक मुझे छोटी लड़की बहुत आगे जाके ऐसे वो गाड़ी रुका के आई, और उन्होंने बोला कि मेरे मदर नाल एक फ़ोटो खिंचा दो। मुझे ऐसे बहुत अच्छा लगा सुन के। पंजाबी तो नहीं आती, बट यहाँ से कुछ ना कुछ तो सीख के जाएंगे। मैं तो ज़रूर जाऊँगी, इन लोग को तो पता नहीं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, बहुत ज़्यादा। तो हम लोग ऐसे अभी शाम को हॉल बाजार करके, यहाँ पे फेमस है, ये देखो क्या फेमस है, तो वहाँ पे जा रहे हैं। और ऐसे ये ऑटो, ऐसे खुली ऑटो, और इसका वाइब बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। ऐसा लगता है कि दिवाली आती है ना, तो कैसी वाइब आती है, सेम वैसा। और मेरी मम्मी भी खुश है, सब खुश है, और मज़ा आ रहा है। टोक्यो जैसा लग रहा है, न्यूयॉर्क जैसा। ओह, तो बहुत गया है क्या टोक्यो? नहीं, एक्चुअली वैसे जैसे वो बाहर बोर्ड वगैरह लगा रहता है ना, सेम वैसा भी जा रहा है इधर पे। एक बहुत अच्छा पर गर्मी बहुत है। तो अभी ये मार्केट बहुत ही ज़्यादा औसम है, ऐसे लग रहा है कि बाहर ऐसे आए, और वैसे ही फीलिंग है क्योंकि मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई हूँ। और रीगा ने मुझे जाने से, रीगा को भी हमारे साथ आ रहा था पर उसको नहीं ला पाई, पर रीगा ने मुझे बोला है कि उसको एक मोजड़ी चाहिए, तो वहाँ पे शॉप दिख रहे, तो अभी वहाँ से जूती, हाँ मोजड़ी बोलते हैं उसको, तो वो लेते हैं उसके लिए। फिर मम्मी के लिए ड्रेस ऐसे ही देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ड्रेसेस सूट भी बहुत अच्छे हैं, तो वो देखते हैं। अभी हम लोगों ने
शॉपिंग की, मतलब ऐसे जो लेते हैं ऐसे पंजाबी जूते, मैं जाके होटल में दिखा दूंगी और बहुत अच्छे मिले। मैं रेट्स भी बता दूंगी कितने में मिले। ये हमारे बॉम्बे में भी मिलता है, बट बोलते हैं ना कि जहाँ पे हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे ऐसे कुछ खरीदना चाहिए, तो और ड्रेसेस विशेष तो नहीं देखे क्योंकि मुझे ना ऐसे थोड़ा सर्दी जैसा फील हो रहा है, तो मुझे ऐसे बहुत अभी इरिटेट हो रहा है उस वजह से। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल के कहाँ पे जा रहे हैं, तो फिर अभी जा रहे हैं वहाँ पे और रूम पे जाके आपको ये ऐसे पर्टिकुलर सब शॉप में ना आप सब देखोगे ना आपको ऐसे लगेगा कि हर शॉप में अच्छा मिल रहा है, अंदर जाते हो ना तो ऐसे लगता है कि सब सेम है, फिर फुल कंफ्यूज। हाँ मैं क्या बोल रही थी, जब मैं रूम में जाऊंगी तो मैं जो जूते लिए वो आपको दिखाऊंगी और उसके रेट भी बता दूंगी। तो पहले खा लेते हैं। ये वाला जो रेस्टोरेंट है, और इधर पैसे देने के लिए छुट्टे पैसे किसी के पास नहीं है, है बहुत पैसे लेकिन छुट्टे नहीं, बहुत है मेरे को दे दे बहुत पैसे ये है मैनू। तो मैंने जैसे बोला था हम लोगों ने ये चार ऐसे जोड़ी दी है, और अभी ये खोल के एक एक दिखाती हूँ क्योंकि ये मैंने मेरे सिस्टर को और मुझे सेम लिया है, मेरे नाखून के वजह से क्या पता ये खुल ही नहीं सकता। तो ये वाला मैंने लिया और ये भी सेम है, मेरे सिस्टर का पैर बहुत ज्यादा बड़ा है, बट ये इसका एक्चुअल रेट था शायद 1100 ही बोला था ना, हाँ 1100 बोला था, तो मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा ज्यादा महंगा दिया है, बट ओवरऑल पूरा ऐसे मिला के, और ये ऐसे लेदर का है बट ये रीवा के लिए लिया है क्योंकि उसने मुझे बोला था कि मातू मेरे लिए ला, और ये मेरे सिस्टर ने दो मंगवाई तो उसके लिए सेम, और ये लेदर वाला बस इतना ही लिया क्योंकि बाकी वहाँ पे इतनी कंफ्यूजन हो गया ना मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था, पर इतना है कि टोटल अमाउंट हुआ था 3,700-800, हम लोगों ने 3,500 में किया और बार्गेनिंग में कर सकती थी, बट मुझे ऐसे, मैंने जैसे बोला मुझे ऐसे सर्दी हो रही थी, बहुत इरिटेट हो रहा था इसलिए मैंने नहीं किया। और मैं सुबह से बोल रही हूँ कि मैं बात करूँगी, तो मैं पहले ये बताना चाहती हूँ कि मैं ऐसे मेरी मम्मी मेरे साथ आई है इस टाइम, क्योंकि मैंने लाया है, क्यों लाया, क्योंकि मैं शायद मतलब कहीं आउट ऑफ कंट्री जाने वाली हूँ अभी बहुत जल्द, और मैं उसके बाद एक महीना नहीं रहूँगी यहाँ पे, एक भी नहीं ऐसे 20 दिन मैं यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं मेरे दिवाली पे भी इस टाइम मेरे घर वालों के साथ नहीं रहूँगी, तो फिर मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना था मम्मी के साथ ऐसे, मतलब मेरा थोड़ा काम भी था, तो मैंने मम्मी को बोला क्योंकि मेरी मम्मी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती। ये ब्लॉग तो आज का ऐसे था कि हम लोग यहाँ पे आए, हम लोग मार्केट गए और बहुत सारी चीज़ें की, आज का दिन बहुत मतलब ऐसे बोलते हैं ना बहुत रिलीफ लगा मुझे। मुझे कल ऐसे लग रहा था कि मैं बहुत जैसे कि कब उठूंगी, कब एयरपोर्ट जाऊंगी, बहुत टायर्ड फील हो रहा था, बट आज मैं दोपहर को ऐसे सोई भी, खाना खा के, तो अच्छा लगा। और अभी ऐसा प्लान है कि मॉर्निंग 5 बजे हम लोग गोल्डन टेम्पल के लिए जाएंगे, तो फिर वो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताना, और हाँ मैं बहुत ही जल्दी कहीं पर जाने वाली हूँ, तो उसके बारे में अगर मैं और भी बातें बताऊँगी वो नेक्स्ट ब्लॉग में। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय, और ऐसे ही मुझे प्यार करते रहना, हंसते रहना। गलत बोला शायद मैंने, आज बहुत टाइम के ब्लॉग बना रही हूँ ना, मैंने गलत बोला, ऐसे ही हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, मुझे बहुत सारा प्यार करना, लव यू ऑल। पूरा साफ कर दे, क्यों ऐसे ही ये गंदा करती है पूरा।